व्यूअर्स, आज हम आपको अदर यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शन इन सी पढ़ाने वाले, जिसमें strlwr, strupr, strrev, strspan, strchr, strset, strstr, strncpy, strcmp, stricmp, strncat, इतने फंक्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं और इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सी में अच्छे से कर पाइए। सबसे पहले आया str lower, जो अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, जिसका सिंटैक्स है strlwr ब्रैकेट में स्ट्रिंग जो आप इनपुट करिएगा। आप कैसे करते हैं, इसके लिए हम दो हेडर फाइल लेंगे, strdo.h, string.h, और मेन फंक्शन में जाएंगे। वहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का 80 करेक्टर एरर डिफाइन करेंगे। इस करेक्टर में हम इसको करेक्टर को हम एंटर लोअर केस स्ट्रिंग कर देंगे, एंटर अपर केस स्ट्रिंग करेंगे। तो जब हम अपर केस में स्ट्रिंग को डालेंगे, गेट एस फर्स्ट कर लेंगे। गेट एस हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो लोअर केस ऑफ ए स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, तो वेलकम टू चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर डाला हमने, तो उसमें वो कन्वर्ट करके इसको छोटा कर देगा। अब str अपर यूज़ करेंगे, str अपर लोअर की जगह upr, lwr की जगह upr लिखेंगे और सारा कुछ सेम रहेगा। इसमें जब हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे लोअर केस में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, जो str लोअर का जस्ट रिवर्स होता है। अब str रिवर्स करेंगे, str रिवर्स करने के लिए हम लोग फिर स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे और str rev ब्रैकेट में स्ट्रिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर वही किया, एरे डिफाइन किया और स्ट्रिंग को इनपुट किया और इसको रिवर्स करेंगे। जब str rev वो फर्स्ट लिखेंगे एरे में, तो हमने वेलकम इनपुट किया तो कन्वर्ट होके वो emocleW हो जाएगा। नेक्स्ट आया strspn, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्पैच विद अ सेकंड स्ट्रिंग। वहाँ से पोजीशन मिल जाएगी जहाँ से स्ट्रिंग मिसमैच हो रही है। तो इसमें अब हम एक की जगह दो एरे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एरे डिफाइन करेंगे और दोनों में इनपुट कराएंगे वैल्यू को। वैल्यू जब इनपुट होगी तो वो रिटर्न करेगी वो पोजीशन जहाँ पर वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया एलेक्सेंडर हमने इनपुट किया और एलेक्स स्मिथ इनपुट किया, तो एलेक्स के बाद आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो फोर्थ करेक्टर से उसकी फोर्थ करेक्टर से पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी और वो उसको समझ जाएगा कि कहाँ से स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। strchr रिटर्न द एड्रेस ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। अब ये देता है उस पोजीशन को जहाँ पर दी हुई करेक्टर से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। तो इसके लिए हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं cp str, where str is a string and c is the character and cp is the character pointer। अब इसमें तीन चीज़ें ले रहे हैं, करेक्टर पॉइंटर ले रहे हैं और फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन में स्ट्रिंग ले रहे हैं और वो करेक्टर ले रहे हैं जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो जब हम स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं और करेक्टर इनपुट कराते हैं, तो वो रिटर्न कर देता है पॉइंटर में उस करेक्टर से एंड तक उस स्ट्रिंग को। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट सुमन कराया, तो करेक्टर ए लिया तो एन वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि सुमन ने ए से एन एन तक सब स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देगा। तो strchr जो होता है वो जिस करेक्टर से आपकी वैल्यू मिलती है वहाँ से लेकर अंत तक सारा रिटर्न कर देता है। strset रिप्लेस द स्ट्रिंग विथ अ गिवन करेक्टर। अब ये क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसको जो करेक्टर आप दे रहे हैं उससे उस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे अगर हमें 80 करेक्टर की लाइन खींचनी है या जिस भी करेक्टर के नीचे हमें स्टार लगाना है, उसके लिए हम यहाँ पे हमने स्टार str में वेलकम दिया जो रिप्लेस कराया स्टार से, तो 7 टाइम वो स्टार
दे देगा रिप्लेस करके, जिसके लिए सिर्फ हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी पड़ेगी और करेक्टर इनपुट कराना पड़ेगा, और फिर वो उसको str set str comma ch करेंगे तो वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. str str return the address from where the second string start in the first string. syntax क्या है? str str first and comma second. अब वो ये एड्रेस रिटर्न कर देगा जहाँ से सेकेंड स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट हो रही है. देन द फर्स्ट एंड सेकेंड आर टू स्ट्रिंग सी पी इज अ करेक्टर पॉइंटर. और कहाँ पर रिटर्न करेगा? करेक्टर पॉइंटर सी पी में. अब इसके लिए दो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई, पहली हमने कराई रतन अग्रवाल और दूसरी हमने कराई अगर. और तो यहाँ पे ये अग्रवाल को रिटर्न कर देगा, अगर से वो अंत तक पूरा रिटर्न कर देगा. तो इट विल रिटर्न द अग्रवाल फ्रॉम रतन अग्रवाल. तो इस तरह से ये str str काम करता है. जो भी स्ट्रिंग आप देते हैं उससे अंत तक उस पहली वाली स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकाल के दे देगा. str ncpi हमें हमने कल आपको बताया था str CPI, STR NCPI क्या करता है? N करेक्टर तक आपके वैल्यू को कॉन्कैटनेट करता है. STR CPI में हमने बताया था ना कि दो स्ट्रिंग जुड़ जाती है, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग जुड़ेगी लेकिन जिस करेक्टर जिस नंबर तक हम जोड़ना चाहेंगे उस नंबर तक जोड़ देंगे. तो दो स्ट्रिंग डाली हमने, पहले में ब्लैंक ले लिया, कुछ भी नहीं डाला, दूसरे में वेलकम डाला. अब हमने किया कॉपीड स्ट्रिंग अप टू गिवन लेंथ परसेंट एस. अब हमने यहाँ दिया कि तीन करेक्टर तुम कॉपी कर दो str1 में, तो str1 में वेल जो है वो तीन करेक्टर ले लेगा और कॉपी कर देगा. strcmp अब हम यहाँ पे हम दे रहे कि नंबर ऑफ करेक्टर तक ही केवल स्ट्रिंग को कंपेयर करो. तो str1 str2 दिया हमने और उसको कंपेयर किया. तो यहाँ पे पहली str1 well done है, दूसरा str welcome है. तो क्या करेगा? well done में l की जो ascii वैल्यू होगी उससे c की ascii वैल्यू माइनस कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि l बड़ा है और c छोटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. अगर दोनों में वेलकम होता तो जीरो आ जाता, और अगर वेलकम आगे होता वेल्डन पीछे होता तो सी माइनस एल की एस की वैल्यू होती तो निगेटिव वैल्यू आती. तो इस तरह से ये नंबर ऑफ करेक्टर तक कंपेयर करके आउटपुट एन में देगा कि कहाँ तक वो क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है. अब हम कंपेयर करते हैं वैल्यू को बिना केस को इग्नोर करके. str icmp क्या करता है? इग्नोर करता है केस को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो वो कंपेयर करेगा और उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा. दैट मीन्स कि इसमें अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हमेशा जीरो ही आएगा, चाहे वो बड़े में लिखा हो चाहे छोटे में लिखा हो. अब यहाँ पे वेल डन और वेलकम में वेल डन वेलकम से नहीं मिल रहा है तो वो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे देगा. क्यों? क्योंकि एल की एस की वैल्यू ज़्यादा होती है और वेलकम में एल की वैल्यू कम होगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा. नेक्स्ट आया आपका एस टी आर एन कैट. तो एन कैट मतलब उतने ही नंबर तक कॉन्कैटनेट करेगा जितने नंबर तक आप चाहते हैं. str cpi में कॉपी करा था, यहाँ पे हमने जो बताया था कॉपी स्ट्रिंग अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, तो यहाँ पर तीन करेक्टर हमने दिया तो तीन करेक्टर कॉपी कर दिया था. str cat में क्या करेगा? कॉन्कैटनेट कर देगा. तो यहाँ पे str1 में well है, str2 में done है और हमने दिया कि चार करेक्टर तुम कॉपी कर दो, यहाँ पे cat होगा. concatenate a string up to given length. concatenate a string up to given length. तो क्या करेगा? well done कर देगा.
str n cat हमने कहा चार करेक्टर ऐड कर दो, तो वो डन है, तो डन को ले जा करके वेल में जोड़ देगा, तो कॉन्कैटनेट में जुड़ जाएगा, कंपेयर में आपस में कंपेयर करेगा और ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग माइनस प्लस और जीरो वैल्यू देगा, कंपेयर में नंबर ऑफ करेक्टर तक कंपेयर करेगा, एन एन जब लगा है अदरवाइज पूरा कंपेयर करेगा, strcpy में कॉपी करेगा नंबर ऑफ करेक्टर, अब यहाँ पे वेलकम और वेलकम को उठा करके इसने str1 में कर दिया, तो यहाँ पर तीन करेक्टर दिया है तो केवल वेल आएगा। इधर पूरा समराइज कर लेते हैं, उसके बाद उसके पहले हमने बताया था कि str क्या करेगा, वेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आर टू स्ट्रिंग, cp इज अ करेक्टर पॉइंटर, यहाँ पर रिटर्न द एड्रेस फ्रॉम वेयर द सेकेंड स्ट्रिंग इज स्टार्ट इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को, पूरा समरी हमने ऊपर दी हुई है कौन सा फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा ये, इसको अगर आपको याद होगा और उसका सिंटैक्स याद होगा तो आप अदर यूज फंक्शंस को अच्छे से यूज़ कर पाइएगा, और नहीं आए तो मेरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, जिस पोजीशन से नहीं समझ में आ रहा उसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तो शर्तिया आपको ये अदर यूज स्ट्रिंग फंक्शन आ जाएगा। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, आप लोग ना वॉच करते ना सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपके इंटरेस्ट का है तो आप प्लीज़ उसे देखिए समझिए और सीखिए। सी लैंग्वेज सारी लैंग्वेजेस की बेस होती है, अगर आपने सी सीख ली तो आप जावा पाइथन और भी जितनी भी लैंग्वेज है उनकी लॉजिक बहुत इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट सब में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।